समोसों के लिए मिक्सचर। फिर भी मैंने आलू बॉईल किए हैं और मटर बॉईल किए हैं। इसमें अदरक लहसुन और दो हरी मिर्चों को मैंने कूट के ऐड किया है। हस्बे जायका नमक ऐड कर लेंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च ऐड कर लेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लेंगे, कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे और चिली सॉस ऐड कर लेंगे। चना चाट के लिए 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे, चने ऐड कर लेंगे, 2 से 3 आलू बॉईल करके ऐड कर लेंगे, कटी हुई बंद गोभी ऐड कर लेंगे, शिमला मिर्च हाफ शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे और हस्बे ज़रूरत फुल्कियों को भिगो के उनको बाद में अच्छी तरह से निचोड़ के ऐड कर लेंगे। काली मिर्च, नमक, गरम मसाला, चिली सॉस हस्बे ज़रूरत ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने समोसा पॉकेट की छोटी सी क्लिप ऐड की है कि उसको हमने कैसे बनाना है वो आप देख लीजिए। और मैंने फ्रूट चाट भी बना ली है। मिली हाँ को ये वैसे मजेदार लग रही है। ये सारा हाँ जब ये बनेगा ना आपका ना ये दाल की तो अच्छा वैसे खाना है। हाँ। एक मिनट नो ये ले मानो मिली है ऐसे खाई चलो तो कौन की चना चाट भी रेडी कर ली है। ये हमने समोसा पॉकेट बनाई थी वो है, अभी इसको फ्राई कर सालन और रोटियां बना ली हुई हैं। मसाला सारा अम्मी ने हमें बना के दिया और आज मैंने कहीं इसकी भी वीडियो बनाती हूँ। नीचे लंगर बन रहा है, वैसे तो रोज़ ही बनता है लेकिन फ्राइडे वाले दिन इनका ऑफ होता है रमज़ान में, फिर ये फ्राइडे वाले दिन भी जो है वो लंगर बनाती हूँ। और ये मेरी ग्रास जो मैंने लगाई थी सर्दियों में ख़राब हो गई थी लेकिन अब फिर ये ग्रो कर रही है। ये क्या है? मौसम है भी तो। नजर आया क्लियर, वो आग नजर आ रही है ना। के लिए चिप्स फ्राई हो रहे थे क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। 2 बज गए हैं। मैं कोफ्तों के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते, कल भाभी ने बनाया था आलू कीमा। आज नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट रोज है, मतलब 5th रोज है आज माशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते और यहाँ पर चटनी के लिए मैंने पुदीना बना दिया हुआ है। ये पकौड़ों के लिए आलू,
कट करके रखी है। यहाँ पर बनेगी आज थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी गोभी, क्योंकि अब्बू का दिल कर रहा था गोभी मटर खाने को, इसलिए गोभी बनेगी आज। यहाँ पर मैंने कोफ्ते फ्राई करके रख दिए हुए हैं। ये मैं हूँ और मेरे साथ मलीहा है, और मेरी स्टिल अभी तक जो है वो इन्फेक्शन जो है वो एलर्जी वो ठीक नहीं हुई। यहाँ पर मैं जो है वो मसाला भून रही हूँ।